गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिंग आइडिया विशिल पाँच। फिर से मैं आप लोगों की एक नई वीडियो लेकर आई। आज जो मेरी वीडियो है वो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट की है मुझसे कि आप अपने घर की वीडियो दिखाइए कि आप नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो मैं आज आपको अपना घर दिखाती हूँ स्टार्टिंग से कि हमने घर में क्या क्या काम करवाया। अभी हमारा थोड़ा पेंडिंग भी है काम, और जो हो चुका है वो मैं आपको सब दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट गेट जो हमने स्टील की लुक का लिया है, और यहाँ पे हमने ओम बनवाया है। ये बंदरवाल वगैरह लगी हुई है, और ये जो नीचे की साइड है थोड़ा दोनों तरफ फ्लावर का पैटर्न है ऊपर नीचे, तो स्टील विद वुडन का गेट है ये। उसके बाद ये देखिए, फ्लैट के बाहर ही हमने शू रैक बनवा दिया था ताकि अंदर स्पेस ना कवर हो। ये देखिए काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए हैं शू रैक में, और ये हमारा फ्रंट है, इस पर नेम प्लेट वगैरह आएगी घर की। तो अभी ये फ्रंट है जो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो अभी ये पेंडिंग है, ये बनेगा और अच्छे से। और ये देखिए, एक हमारे स्टील के गेट में छोटा सा सेक्शन है, अगर कोई भी छोटा मोटा कोरियर वगैरह आता है या फिर कोई पार्सल आता है तो आप यहीं से रिसीव कर सकते हैं, आपको पूरा गेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा फ्रंट गेट है, हमने काफ़ी सिंपल रखवाया है फ्रंट गेट। उसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। ये देखिए हमारा पार्टीशन है लिविंग एरिया का, ये देखिए, ये है हमारा घर का पार्टीशन, लिविंग एरिया का पार्टीशन। ये देखिए पार्टीशन कुछ इस तरीके से बनवाया है, और ये देखिए तोता बंधा हुआ है इस पर। यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लोगों ने घर के मैग्रेशन से तोता बांधा, और ये है अब हमारा घर। घुमा दे कैमरा, अब ये देख, अब यहाँ से आ जाए। अब ये है हमारे लिविंग एरिया की मेन वॉल, जिसपे हमने एक सिंपल मोल्डिंग वगैरह लगवा के एक अच्छा सा पैटर्न बनवाया है, और उसमें लाइट्स वगैरह लगवा दी गई हैं, और ये हमने फैंस वगैरह भी सब अभी नए नए परचेज करे हैं सब। और ये देखिए वॉल क्लॉक, और हमने डेकोरेशन के पर्पज़ से ये हम पहले से लेके आए हुए थे, तो हमने ये भी लगाया है यहाँ पे। और ऊपर लाइट्स वगैरह है, ये सब लाइट्स वगैरह हम सब चांदनी चौक भगीरथ पैलेस से लाए थे। तो मैं सब आपको अपनी शॉपिंग की वीडियो सब सेपरेटली आपको दिखाऊँगी कि हमने कहाँ से शॉपिंग करी थी सारी। ये हमारा LED पैनल है, अभी हमारे LED पैनल में हमने TV नहीं लिया है यहाँ का, तो जब TV परचेज करेंगे तब मैं आपको लुक दिखाऊंगी। काफ़ी फर्नीचर की चीज़ें हैं जो अभी नहीं ली हैं, अभी हम आगे आगे परचेज करेंगे उनको। ये देखिए हमने कैरियर के AC लगाए हैं, इस AC का कलर जो है क्रीमिश सा है। उसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मॉड्यूलर किचन का सेक्शंस। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सामान सेट भी कर लिया है। ये देखिए क्रॉकरी का सेक्शन है, इसमें सब सॉफ्ट क्लोजर लगे हुए हैं, अपने आप खुलते हैं और अपने आप ही बंद हो जाते हैं। ये देखिए ज़्यादा फोर्सफुली बंद करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हमारा फ्रिज है, LG का फ्रिज लिया है हमने, और ये ब्लैकिश में लिया है, ब्लैकिश कलर में। और उसके बाद ये देखिए ये भी स्टोरेज है, और अब धीरे धीरे मैं इनको अरेंज करूँगी। ये भी स्टोरेज है, और ये माइक्रोवेव का है, अभी माइक्रोवेव लाई नहीं है। और ये मिक्सर ग्राइंडर है, और ये देखिए ये भी सब स्टोरेज है हमारी। और उसके बाद ये हमारी किचन है, हमने चिमनी वगैरह सब पहले से लगवा ली थी, और होम वगैरह अभी हमारे गैस सिस्टम नहीं आया है, तो अभी हम सिलेंडर से काम चला रहे हैं, 3-4 डेज़ के बाद आएगी गैस। उसके बाद अब देखिए ये हमारी जो ये सेकंड नंबर वाली, सारा नहीं दिखाना, वो किचन के टूर में आएगी, वो सारा नहीं दिखाना। ये है, अच्छा ये है अब हमारा बालकनी का सेक्शन, ये है RO का सेक्शन, और ये हमारे बर्तन सुखाने के लिए स्टैंड लगे हुए हैं जिससे बर्तन आसानी से सूख जाते हैं। उसके बाद ये सिंक एरिया है, और यहीं पे हमारी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ये हमारी बालकनी है जो ये ओपन भी हो जाती है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से पूरा व्यू दिखता है सोसाइटी का। बस 11 मिनट से फालतू है बनानी। अब मैं आपको दूसरे सेक्शन में लेके चलती हूँ। नहीं दूर से बना, लाइट भी ले लियो। अब मैं घर के सेकंड पार्ट में लेके चलती हूँ। ये देखिए ये हमारा वॉशरूम है, और ये सेकंड वाला रूम है, कॉमन वॉशरूम है, और उसके ऊपर हमने लाइट्स वगैरह लगवाई हुई है। ये देखिए ये झूमर वगैरह सब भागीरथ पैलेस से लाए थे हम। और उसके बाद ये देखिए ये है हमारा कॉमन वॉशरूम। ये देखिए ये इसमें हमने गीजर वगैरह सब लगवा लिए, क्योंकि विंटर का टाइम है तो अब गीजर की काफ़ी नेसेसिटी है। और ये वैनिटीज़ वगैरह हैं,
वैनिटीज हैं और ये सब हमने जो नेसेसिटी का सामान था वो पहले ही लगवा लिया था। अब ये है हमारा जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लिविंग एरिया के बाद फर्स्ट रूम। ये देखिए इसके बाद इसमें ये दो डेकोरेटिव आइटम हैं, पोर्शन बनाया गया है। उसके बीच में हमने स्विचेस लगवाए हैं। हमने स्विचेस नीचे नहीं लगवाए क्योंकि हमारा बेटा छोटा है, वो बार बार स्विचेस को छेड़ता है। तो ये देखिए डोर्स पे हमने इस कलर की सनमाइका लगवाई है, तो ये ब्राउनिश सा कलर है कुछ। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी एक लाइट लगवाई है। आज अथर ने बेड वगैरह पे बलून लगवा दिए कि मम्मा बलून लगा दो। ये हमारा एक बीच में क्वीन साइज का वो है, ये रूम है। और हमने यहाँ पे थोड़ा छोटा ही बेड लगवाया है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी एसी वगैरह सब लगवा दिए थे। और ये है हमारी बालकनी का पोर्शन, ये हमारी थर्ड बालकनी है। फर्स्ट बालकनी थी जो वो लिविंग एरिया में ही अटैच करवा दी थी हमने। तो ये देखिए आज मैंने कपड़े धोए थे तो मैंने इसी बालकनी में सुखाए थे ये। उसके बाद ये देखिए यहाँ से बालकनी का पूरा व्यू दिखता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आराम से आप कपड़े वगैरह, काफ़ी खुली बालकनी है ये भी, और काफ़ी कुछ इसमें कर सकते हैं आप, बैठ सकते हो आराम से और कपड़े वगैरह भी आराम से सुखा सकते हो। धूप वगैरह भी काफ़ी अच्छी आती है। अब ये देखिए ये स्टोरेज के लिए हमारी कबर्ड्स है, अभी तक अरेंज नहीं हुई है ये देखिए, ये अभी मुझे इनको अरेंज करना है। काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर और काफ़ी कुछ आ सकता है। तो अभी ये अलमारी अभी लगाई नहीं है किसी, कोई भी अलमारी। तो अभी एक और अलमारी दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमने ये वाला छोटा रूम है तो इसलिए स्लाइडिंग वाली ही प्रेफर करिए। ये देखिए स्लाइडिंग की वजह से काफ़ी स्पेस मिल जाता है रूम को। तो अब एक हमने बेड के साथ साइड टेबल भी ली है। ये देखिए अभी तक हमने अनपैक नहीं करा है फर्नीचर हमारा, क्योंकि हमारा काफ़ी काम पेंडिंग है घर का, तो हमने सोचा आराम से करेंगे। और हमारा रूम जो है मास्टर बेडरूम, ये देखिए ये रूम कुछ इस तरीके से बनवाया हमने। ये देखिए ये है मेरे हस्बैंड की ऑफिस के काम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम की वजह से एक शेल्फ बनवाई है ताकि वो आराम से काम कर सके। ये देखिए इसमें कीबोर्ड वगैरह रखने के लिए भी स्पेस बनवाया है। उसके बाद ये हमारा टीवी लगा हुआ है एलईडी पैनल, जिसमें हमने दो स्टोरेज बनवाई है ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हमारी कबर्ड्स, ये कुछ इस तरीके से स्टोरेज बनवाई है। ये देखिए इस पे इस तरीके का लुक बनवाया है, यहाँ से ये पैटर्न बनवाया है और वहां से ब्लैक कलर का पैटर्न बनवाया है। ये ग्रे और ब्लैकिश में लिया है हमने। और उसके बाद ये देखिए ये हैवल्स के फैन हमने सारे सेम कलर्स के लिए हैं फैंस, आजकल वैसे भी डिफरेंट डिफरेंट फैंस नहीं चलते हैं। उसके बाद ये देखिए ये वॉल क्लॉक भी हम चांदनी चौक से ही लाए थे, वॉल क्लॉक की वहाँ स्पेशल मार्केट है। ये है हमारे कर्टन्स, दिन में हमने उसे फोल्ड कर लिया था क्योंकि नीचे से काफ़ी गंदे हो जाते हैं ये। ये है हमारा बेड, यहाँ पे हमने ग्रे कलर का बेड लिया है। ये देखिए ग्रे कलर का बेड है, ये भी अनपैक नहीं करा है। और ये लाइट्स हमने वही मैंने आपको बताया भगीरथ पैलेस से ली थी, और हमने हर का कॉम्बिनेशन कुछ डिफरेंट सा रखा है। और उसके साथ एक साइड टेबल है हमारे बेड के साथ। और उसके बाद ये अथर खेल रहा था यहाँ पे, और उसने खेलते खेलते यहाँ पे पानी भी डाल दिया बेड पे पूरे पे। और ये देखिए ये वाला बेड जो है ये बड़ा बेड है क्योंकि हमने बच्चे के हिसाब से बड़ा बेड बनवाया था। और उसके बाद ये देखिए ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, काफ़ी स्पेशियस है ये भी। ये देखिए मेरा वॉशरूम, ये देखिए ये भी काफ़ी स्पेशियस है। और इसमें बिल्डर की तरफ से कोमोड वगैरह सब मिली थी, ये वैनिटीज, ग्लासेस, गीजर वगैरह ये सब हमने खुद लिया है अपनी चॉइस से। ये देखिए इसमें एलईडी मिरर्स भी लगवाए हुए हैं, जो दोनों ही वॉशरूम में एलईडी मिरर्स हैं, जिससे थ्री लाइट्स चेंज होती है। एक वाइट लाइट है, एक येलो लाइट है और एक ब्लू लाइट है। तो ये देखिए ये वैनिटीज़ वगैरह भी हमने खुद परचेज करी है, सारी वैनिटीज़ में काफ़ी सारे बॉक्सेस भी हैं। ये देखिए अब ये देखिए ये भी एक बालकनी है हमारी, जिसमें सारा पेंट वेंट का सामान रखा हुआ है जो अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके लिए यहाँ पे ही रखा हुआ है सामान।
तो ये देखिए यहाँ से भी पूरा व्यू दिखता है हमारे कमरे की बालकनी से भी। देखिए यहाँ पे हमने एक लाइट लगवाई है हमारी बालकनी में, तो ये भी काफी अच्छी लगी है मुझे लगी हुई। अब ये देखिए ये है हमारा थर्ड रूम। थर्ड रूम में हमने कबर्ड रखी हुई है और ये देखिए ये मंदिर है मेरा जो मैंने पूरा लगा लिया है ना है। और उसके बाद थोड़ा बहुत सामान है जो अरेंज करने की कोशिश करी है। और ये देखिए ये कबर्ड्स है, ये अथर्व की कबर्ड है, काफ़ी स्पेशियस है ये भी। और उसके बाद ये देखिए ये इसकी स्टडी टेबल है और इसमें भी काफ़ी स्पेशियस है ये भी, तो इसमें काफ़ी सारे बॉक्सेस लगे हुए हैं। और उसके बाद ये ड्रॉर्स भी है ये देखिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं क्योंकि अथर्व वहाँ पे टीवी देख रहा है तो वो डिस्टर्ब ना हो इस वजह से वो यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये एक सेटअप है, ये हमारा लास्ट रूम था। ये 3 BHK फ्लैट है जो काफ़ी हमने इस पर इंटीरियर वर्क भी करवाया और उसके सोफे वगैरह भी पेंडिंग है, काफ़ी फर्नीचर आने वाला है। तो मैं तब आपको एक और वीडियो शेयर करूँगी विद डेकोरेशन, क्योंकि अभी डेकोरेशन कुछ भी नहीं की हुई घर की। तो होपफुली आपको मेरे घर का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।